अगर आपके कार में आइडल स्पीड में बंद होने वाली प्रॉब्लम है, एक बार इसका पूरा थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करें, सेंसर को और थ्रोटल बॉडी को। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैकेनिक को दिखला सकते हैं, बट अपने से भी एक बार क्लीन करके देखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसको मैं बताऊंगा भी इसका सेंसर कौन सा है। ये गाइस इसका सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये इसमें मोटर लगा हुआ है, ये सेंस करता है एयर को। इसको क्लीन करने के लिए ये 10 नंबर का नट है और एक नीचे में नट है, तो इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पास दिया हुआ नट, ये गाइस इसका एयर फिल्टर है, ये भी क्लीन रहना चाहिए, नहीं तो ये भी आइडल स्पीड में बंद करता है इसको अगर अच्छे से एयर नहीं मिलेगा तो। ये फ्रेंड इसका थ्रोटल वाल्व है, ये वाल्व जितना खुलता है फिर ये सेंसर सेंस करता है, तो इसका थ्रोटल वाल्व को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि इसमें डस्ट आने से भी ये सेंस नहीं कर पाता। ये फ्रेंड मैप सेंसर है, तो फ्रेंड मैप सेंसर को भी ये 10 नंबर से खोल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, ये 10 नंबर से खुलेगा। और ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसको भी क्लीन करें। गाइस कोई भी पेट्रोल इंजन में अगर आइडल स्पीड में प्रॉब्लम है बंद होने वाली, तो एक बार क्लीन करें सेंसर, और ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल पोजीशन सेंसर भी क्लीन करें, अच्छे से क्लीन करें निकाल के। और गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक आज के लिए इतना ही। और जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे न्यू वीडियो का।